आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। हरे कृष्ण। ये 39th श्लोक है तीसरे अध्याय का, और इस श्लोक में अब भगवान कह रहे हैं कि आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। पिछले श्लोकों में तो भगवान ने बताया कि मतलब अर्जुन का प्रश्न था कि भगवान कोई अंदर से फोर्स करा रहा है कोई, तो भगवान ने बताया कि वो काम कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्र, वो रजोगुण से रजोगुण का बेटा है वो, काम क्रोध वो तंग कर रहे हैं तुम्हें। और फिर भगवान ने बताया कि वो काम किस हद तक जीवात्मा पर अपना प्रभाव डालता है, उसकी कॉन्शियसनेस को किस तरह से ढक देता है। माया रजोगुण को यूज़ करके काम वासना का प्रभाव डालती है जीवात्मा पर, और फिर उसकी कॉन्शियसनेस को सतो रजोतमो के द्वारा पूर्ण रूप से ढक देती है काम को यूज़ करके। और अब पिछले श्लोक में तो भगवान ने एनालॉजी दी थी कि काम किस तरह से प्रभावित करता है आत्मा को, एग्जाम्पल से समझाया था। इस श्लोक में अब भगवान बता रहे हैं कि काम जो है वो काम कैसे करता है, काम काम कैसे करता है ये बता रहे हैं। साइंस ऑफ लस्ट बता रहे हैं इस श्लोक में भगवान कि लस्ट का विज्ञान क्या है, किस तरह से वो जीवात्मा पर अपना जादू टोना करता है, ये समझ लो। तो भगवान इस श्लोक में इस कंटिन्यू करते हुए कह रहे हैं कि आवृतम ज्ञानम एतेना, कि आवृत रहता है, जनरल मीनिंग इस श्लोक का क्या बोले हम वो डिस्कस करेंगे। आवृत रहता है क्या, ज्ञान, ज्ञान को आवृत कर देता है कौन, एतेना, ये जो काम रूपी जो शत्रु है ये ज्ञान को ढक देता है, आवृत कर देता है। ज्ञानिनो नित्य वैरिना, ज्ञानिनों का अर्थ है जनरल मीनिंग आत्मा, आत्मा का जो ज्ञान है उसको पूर्ण रूप से ढक देता है और उसका नित्य वैरी है ये काम। काम रूपेण कौन्तेय, और ये जो काम रूपी जो शत्रु है हे कुंती पुत्र, दुष्पूर्णेन अनलेन च, ये कभी भी तुष्ट नहीं हो सकता जैसे अनलेन अर्थात अग्नि, जैसे आग में जितना मर्जी घी डाल दो तब भी आग कभी संतुष्ट नहीं होती, वो और भड़कती रहती है और भड़कती रहती है, उसी तरह से ये काम रूपी शत्रु है। और शिल प्रभुपाद इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं तात्पर्य में। शिल प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन पेट्रोल डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, आग में जितना मर्जी पेट्रोल डाल दो आग तो और भड़कती रहेगी। और फिर शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक सामान्य बंदीगृह अर्थात जेल में अपराधियों को रूम्स में रखा जाता है और हथकड़ियाँ बांध के रखा जाता है, इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों को नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। अल्टीमेटली काम काम वैसे काम की जो पराकाष्ठा है, मतलब एक काम तो वर्ड जो है ये बहुत बड़ा वर्ड है, काम का सिंपल अर्थ है कामना है, भोग करने की जो कामना है करोड़ों जन्मों से हमारे हृदय में उसको काम कहते हैं। अब भोग की पराकाष्ठा क्या है, ग्रॉस कल्मिनेशन क्या है भोग की, या काम की ग्रॉस कल्मिनेशन या पराकाष्ठा क्या है, सेक्स। अल्टीमेटली सबसे टॉप मोस्ट अगर कोई इंद्रिय तृप्ति है तो वो सेक्स है, सेक्स से ही परम शांति मिलती है बद्ध जीवों को। जो जिनका जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना नहीं है वो इन इस तुच्छ चीज़ में आनंद प्राप्त करते हैं और उसी को समझते हैं यही सब कुछ है, वो आगे के श्लोकों में गीता में आएगा। तो ये इस श्लोक का जनरल मीनिंग है। अब इस श्लोक में और शिल प्रभुपाद जो बता रहे हैं, अब इस श्लोक में अगर हम देखें तो और काफ़ी गहराई है। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि आवृतम, आवृतम का अर्थ है कि ढक लेता है, यहाँ ढक लेता कहा जा रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं करता, किसको, ज्ञानम, आवृतम ज्ञानम एतेना, ये जो काम रूपी जो शत्रु है ये ज्ञान को ढक लेता है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते, क्योंकि जो भक्ति से जो ज्ञान प्रकट होता है वो कभी भी खत्म नहीं होता। दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं ना कि एक बार भक्ति जो की है वो कभी विनष्ट नहीं होती, लेकिन माया क्या करेगी,
हमारी करोड़ों जन्मों की पूर्व इच्छा को देखकर उस कामरूपी शत्रु को कहेगी कि इसके ज्ञान को ढक दो, और फिर एकदम से जो डिवोटी है वो माया में पड़ जाता है और उसका ज्ञान ढका जाता है, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसीलिए उसको गिल्टी होती रहती है जब वो कोई मिस्टेक करता है। अगर डिस्ट्रॉय हो जाता फिर तो गिल्टी भी नहीं होती, और उसको गिल्टी होती है क्योंकि ज्ञान उसको है लेकिन उसका जो अनुभव था वो ख़त्म हो गया। अनुभव ख़त्म करती है माया, सबसे पहले रियलाइजेशंस ख़त्म कर देती है, इसलिए कहा जाता है ज्ञान ढक जाता है, लेकिन एक नॉलेज लेवल पे रहता है, इन थ्योरेटिकली रहता है, इसलिए फिर आदमी को गिल्टी होती रहती है। आवृतम ज्ञानम एतेन, ये जो कामरूपी शत्रु है, ये जो काम है, ये इस ज्ञान को ढक देता है। ज्ञानिनो नित्य वैरिना, ज्ञानिनो ज्ञानी किसको कहते हैं, ज्ञानी का यहाँ सिंपल अर्थ, ज्ञानिनों का सिंपल अर्थ है आत्मा, आत्मा का ज्ञान ढक लेता है। लेकिन और अगर हम देखें तो और भी इसके कई पर्सपेक्टिव हैं। ज्ञानिनों का अर्थ है ज्ञानी योगी एक्सेट्रा, जो ज्ञानी योगी होते हैं क्या करते हैं, हिमालय पर्वत जाके बैठ जाते हैं। वो तो इस काम रूपी शत्रु से इतना ज़्यादा डरते हैं कि सीधा हिमालय की चोटी पर जाके बैठ जाते हैं, भाई ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इंद्र विषयों से दूर भाग जाओ तो काम तंग ही नहीं करेगा, इच्छाएँ नहीं आएंगी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। लेकिन वो भी रास्ता नहीं है क्यों, क्योंकि उनके लिए अगर ज्ञानी योगियों के लिए अगर काम अच्छा नहीं है तो फिर संसार के लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है, तो फिर इसलिए ज्ञानी योगी ऊपर जाके बैठ जाते हैं, वो तो केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। भक्तिवान सरस्वती ठाकुर को एक बार उनके गुरु जो गौरकिशोर दास बाबा ही थे उन्होंने कहा था कि तुम कलकत्ता में जाकर प्रचार कर रहे हो, वो तो माया नगरी है, तुम फंस जाओगे माया में, वो अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, तुम इमीडिएटली नवद्वीप वापस आओ। तो भक्तिवान सरस्वती ठाकुर ने लेटर रिप्लाई किया कि अच्छा तो ये कलकत्ता माया नगरी है और मेरा फॉल डाउन हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए वापस आओ कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने उसका अर्थ लिया कि हाँ ठीक है, ये माया नगरी है, मेरा यहाँ फॉल डाउन हो जाएगा, ये अच्छी नहीं है मेरे लिए, तो फिर तो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है जगह कलकत्ता, तो इसलिए मैं सबको प्रचार करूँगा और सबको मायापुर ले आऊँगा वापस, अकेले नहीं आऊँगा, इसलिए वहाँ पर रुक के उन्होंने प्रचार किया। लेकिन ये जो ज्ञानी योगी होते हैं ये मतलबी होते हैं, ये एग्जैक्टली निस्वार्थी होते नहीं, ये स्वार्थी होते हैं, केवल अपने बारे में सोच रहे हैं कि मैं कैसे जन्म मृत्यु के चक्र से छूटूंगा, इसलिए जाके बैठ जाते हैं। लेकिन डिवोटी हमेशा प्रचार करता है, यही भक्तिवान सरस्वती ठाकुर ने अपने आचरण से सिखाया। और ज्ञानी जो यहाँ कहा जा रहा है, एक तो ज्ञानी योगियों के कॉन्टेक्स्ट में हो गया, और दूसरा ज्ञानी का यहाँ अर्थ है कनिष्ठ वैष्णव या मध्यम वैष्णव, क्योंकि उनके ऊपर भी काम अपना प्रभाव डालता है, या ऑलमोस्ट जो लिबरेट होने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जड़ भरत, भरत महाराज के ऊपर अपना काम ने प्रभाव डाला क्योंकि वो पूर्ण रूप से लिबरेट नहीं हुए थे। जो प्योर डिवोटी होते हैं उनके ऊपर काम अपना प्रभाव नहीं डालता, लेकिन जो कनिष्ठ मध्यम वैष्णव होते हैं उनके ऊपर काम अपना प्रभाव डालता है, ये तो है ही। उनका वो नित्य वैरी है, जो डिवोटीज हैं प्योर डिवोटीज उनका नित्य वैरी नहीं है काम, काम उन्हीं पर अपना प्रभाव डालता है जिनमें अभी भक्ति पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुई, जिनके सारे अनर्थ खत्म नहीं हुए, अभी एक करोड़ों जन्मों की इच्छाएं अभी भी हैं, बची हुई हैं सूक्ष्म रूप में, उनके ऊपर काम फिर अपना प्रभाव डालता है, तो उनका जो ज्ञान है ऐसे ज्ञानियों का जो ज्ञान है वो नष्ट कर देता है। तो ज्ञानी की यहाँ तीन परिभाषा हो गई, एक तो सिंपल आत्मा ही हो गई, आत्मा को यहाँ ज्ञानी कहा जा रहा है, जो उस आत्मा का ज्ञान ढक लेता है। दूसरा ज्ञानी अर्थात ज्ञानी योगी जो हिमालय पर्वत पर जाके बैठ जाते हैं, ओम ओम करते हैं, उनका भी ज्ञान ढक लेती है ये जो कामना काम है जो, इसलिए वो डर के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। और तीसरा नव साधक, क्योंकि वो ज्ञान से चलता है, वो केवल थ्योरी से चलता है, उसको अभी रियलाइजेशंस नहीं आई, इसलिए वो हमेशा, या आई भी हैं तो बहुत फीकी हैं, क्योंकि नव साधक कौन है, नव साधक अर्थात पांच स्टेजेस होती है ना साधकों में, तो भक्ति में ज्ञानी की तीन स्टेजेस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो होती है प्रत्यक्ष, फिर परोक्ष और फिर अपरोक्ष, और जो प्योर डिवोटी है वो तो सीधा अप्राकृत और अधोक्षज और अप्राकृत स्टेज में चलता है। तो जो ज्ञानी तो ये जो नव साधक है ये इन तीनों जो स्टेजेस हैं इसकी, प्रत्यक्ष परोक्ष और अपरोक्ष, प्रत्यक्ष का अर्थ है कि उसको शास्त्र पढ़कर वो अपनी आँखों से देखता है इस संसार को, और परोक्ष का अर्थ है कि वो शास्त्र पढ़कर शास्त्रों की आँखों से देखेगा, और अपरोक्ष का अर्थ है कि उसको
जो शास्त्रों को पढ़कर जो अनुभव हुए हैं वो उन अनुभव की आंखों से देखेगा। लेकिन उसके ऊपर जो स्टेजेस होती हैं, जो प्योर डिवोटी की स्टेजेस होती हैं उत्तम वैष्णव की, उसमें तो सीधा भगवान ही उसको दिखाते हैं, उसको जो ज्ञान है वो प्रकट हो जाता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, रेवलेशंस होती हैं, वो अलग एक लेवल है। तो इसलिए क्योंकि वो इन तीन लेवल्स में घूमता रहता है, इसलिए उसके ऊपर भी काम अपना प्रभाव डालता है। इसलिए भरत महाराज हालांकि भावावस्था तक पहुँच चुके थे तब भी उनका फॉल डाउन हो गया, क्योंकि अभी वो अप्राकृत और अधोक्षज और अप्राकृत अवस्था पर नहीं पहुँचे थे। सबसे पहले होती है प्रत्यक्ष, फिर परोक्ष, फिर अपरोक्ष, फिर अधोक्षज और फिर अप्राकृत। ये पांच स्टेजेस हैं जो पूर्ववर्ती आचार्य देखते हैं। तो इसलिए वो भी जो है ज्ञानी की कैटेगरी में आता है, नवसाधक या कनिष्ठ या मध्यम, इस तरह से समझ लो। उत्तम वैष्णव तो है वो है जिसको प्रेमावस्था प्राप्त हो चुकी है, जिसका कभी फॉल डाउन हो नहीं सकता इतनी आसानी से, हो ही नहीं सकता, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्रेमावस्था में तो भगवान के दर्शन ही हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर इसका अर्थ है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि काम जो है वो हमारा नित्य शत्रु है ही क्यों, या हमारा शत्रु क्यों है काम, ऐसा क्या करता है काम? तो काम जो है वो हमारे ज्ञान को ढक देता है। और ज्ञान क्या, ज्ञान एक्चुअली जिन आँखों से हम इस संसार के दोष देखने की जो हमें जो शक्ति है ना, ज्ञान के द्वारा ही तो हम संसार के दोष देखते हैं, तो उस ज्ञान को वो ढक देता है। हम संसार के दोष नहीं देख पाते, संसार के दोष नहीं देख पाते तो वैराग्य खत्म, वैराग्य खत्म तो भक्ति खत्म, बस काम का अपना काम हो गया। उसी वक्त ही वो पकड़ के हमें हरा देता है और फिर हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है, और फिर काम की हथकड़ियाँ, सेक्स की हथकड़ियाँ, मैथुन की हथकड़ियाँ श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, वो जकड़ी जाती हैं। वो तो पराकाष्ठा ही है काम की, बाकी और कुछ भी जो भी हम इच्छाएं करते हैं वो सब काम के अंतर्गत ही आती हैं। जो भी हमारी करोड़ों जन्मों की भौतिक इच्छाएं वो सब काम के अंतर्गत ही आती हैं। तो इस तरह से इस श्लोक को समझेंगे। और इसको नित्य वैरी कहा है, ज्ञानिनो नित्य वैरिना। नित्य क्यों कहा है? क्योंकि ये हमसे काम जो है वो एक्चुअली जो भोगी हैं उनका तो वो नित्य फ्रेंड है, जो संसारिक लोग हैं, क्योंकि उनको तो सेक्स करते वक्त, भोग करते वक्त, आईफोन चलाते वक्त, मर्सिडीज गाड़ी में बैठते हुए इन चीज़ों में मज़ा आ रहा है। वो कहेंगे यार हमारा तो ये एटर्नल फ्रेंड है, आप एटर्नल एनिमी कह रहे हो, आपकी गीता एटर्नल एनिमी कह रही है कि नित्य दुश्मन है, नित्य वैरी है। हम कह रहे हैं नित्य फ्रेंड है ये, तो इतना मज़ा आता है काम कुछ भी हम उल्टा सीधा करते हैं हमें इतना मज़ा आता है, इसलिए वो इस संसार में फंसे रहते हैं। लेकिन एटर्नल एनिमी किसका है? एटर्नल एनिमी उसका है जो गीता पढ़ता है। जो भक्ति करेगा उसी को तो दुश्मन लगेगा काम, जो भक्ति नहीं कर रहा उसको दुश्मन कहाँ से लगेगा? तो जो भक्ति कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए ये नित्य वैरी है, ये हमेशा उसको दुख देता है। क्यों? क्योंकि अगर एक जो नव साधक, जो भक्त है, जो भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, डिवोटी, जब उसमें जब काम इच्छा आती है, ये भोग करने की इच्छा आती है संसार में कुछ भी, भगवान को बिना भोग लगाए खाना भी काम ही है, वो भी काम के अंतर्गत ही आता है। तो उसमें जब भोग करने की इच्छा आती है, तो भोग करने की जब इच्छा आती है तो करने से पहले वो सोचता है कि मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं नहीं करना चाहता तब भी मैं क्या करने जा रहा हूँ, वो तब दुखी रहता है। और जब कर रहा होता है तब भी उसको दुख लगता है, गलानी होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और जब कर चुका होता है तब तो वो फिर और पागल ही हो जाता है कि यार मैंने क्या कर दिया। तो उसके लिए तो बहुत दुख में ही है ये, इसलिए उसका ये नित्य वैरी हमेशा उसको दुख ही देता रहता है बद्ध अवस्था में एक साधक को। इसलिए एक साधक अपने आप को जल्द से जल्द तीव्र भक्ति करके, जो एक सिंसियर सोल होती है, वो अपने आप को ऊपर उठाता है, मुक्त करने का प्रयास करता है, ताकि इस काम रूपी शत्रु से छुटकारा मिले। और दूसरा जो कारण है ये हमारा नित्य शत्रु क्यों है, क्योंकि भगवान वार्निंग दे रहे हैं, हमें अलर्ट कर रहे हैं इस श्लोक के द्वारा कि कभी भी केयरलेस मत रहो। जैसे ही आप केयरलेस हो गए तो निकटस्थे माया झपटिया धरी, ऑलमोस्ट जो लिबरेट हो चुके हैं उन पर भी अटैक करता है ये काम, उन पर भी अटैक करती है माया इस काम रूपी शत्रु को, काम रूपी अपने टूल को यूज़ करके। जैसे फॉर एग्जांपल भरत महाराज का केस तो है ही, और तो बहुत डेंजरस है, और इवन ब्रह्मा जी और शिव जी भी वो तो चलो लिबरेटेड हैं, लेकिन उनके केस में तो भगवान का ही हाथ है, खासकर शिव जी के केस में तो उनके केस में अलग है। लेकिन जड़ भरत, जो भरत महाराज का इनका एग्जांपल तो परफेक्ट है। लेकिन प्योर डिवोटीज़ के लिए जो काम है ये कभी नित्य वैरी नहीं होता, उनका तो वैरी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्योर डिवोटी को काम से कुछ काम ही नहीं है, उसको लेना देना नहीं, वो तो काम को ही पकड़ के कन्वर्ट कर देता प्रेम में और भगवान की सेवा में लगा देता।
जैसे फॉर एग्जांपल पिछले श्लोक में भी श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि हनुमान जी ने तो क्रोध को क्या किया, काम से क्रोध आता है, या काम का ही एक अपना ही दूसरा रूप है क्रोध, जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध ही तो आएगा। तो हनुमान जी ने उस क्रोध को पकड़कर भगवान की सेवा में लगा दिया। तो जो प्योर डिवोटीज होते हैं वो हमेशा इन चीज़ों से ये चीज़ों पर प्रभाव नहीं डालती और वो इन चीज़ों को पकड़ के भगवान की सेवा में लगा देते हैं, क्योंकि वो लिबरेटेड होते हैं, उनको भगवान से आसक्ति होती है, इसलिए उनको कुछ भी संसार का दिखता है वो उसको भगवान की सेवा में ही लगा देते हैं इमिडिएटली। तो एक जो भोगी होता है वो उसमें जब काम का वेग आता है, काम उसको जब प्रभावित करता है, तो वो पागल होकर सीधा क्या करता है, वो भोग करता है, वो अमेरिका जाएगा, लॉस वेगास घूमेगा, न्यूयॉर्क घूमेगा और सेक्स वाइन वूमेन ये सब करेगा। लेकिन एक जो प्योर डिवोटी होता है इनके ऊपर काम का कभी प्रभाव नहीं होता, इनको जब वेग आता है तो वो काम का वेग नहीं प्रेम का वेग आता है, और वो क्योंकि उनमें तो भगवान के लिए प्रेम ही है तो उनको वेग आएगा प्रेम का, क्योंकि उनका हृदय शुद्ध हो चुका है, वेग तो आएगा ही आएगा, अब उनको प्रेम का वेग आएगा और वो उस वेग में पागल होकर फिर वो भी अमेरिका चले आएंगे जैसे श्री प्रभुपाद चले गए, और वहाँ जाके फिर पूरी दुनिया को भक्त बना देंगे, प्रचार करेंगे। तो ये प्योर डिवोटी में अंतर, प्योर डिवोटी काम को भी प्रेम में कन्वर्ट करके उसको सेवा में लगा देते, ये प्योर डिवोटी की चेतना का स्तर है। तो अब ये जो पॉइंट है जो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि दुष् काम रूपे न कौन तया, कि काम रूपी ये जो शत्रु है अर्जुन, दुष्पूरेन अनलेन च, ये कभी भी तृप्त नहीं हो सकता, कैसे, जैसे अनलेन अर्थात अग्नि कभी भी तृप्त नहीं हो सकती, चाहे जितना मर्जी घी डाल दो वो तब भी और मांगे। उसी तरह से जितना मर्जी आप इस संसार में भोग करते रहो और तीव्र इच्छा बढ़ती रही है, ऐसा नहीं कि एक टाइम के बाद आप कहोगे बस मैं एक बार अब लास्ट बार ये गलत काम कर दूँ उसके बाद मैं कभी नहीं करूँगा, आप जितनी मर्जी भीष्म पितामह की तरह दृढ़ प्रतिज्ञा लेंगे उतनी बार टूटती रहेगी, क्योंकि आप काम को उसका फूड दे रहे हो, उस फूड को देना ही बंद करना पड़ेगा, जितना हम उसको भोजन देते रहेंगे वो और मांगता रहेगा, और दो, यही इस संसार का रूल है। तो आग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती ना, उसी तरह से ये जो काम रूपी शत्रु है हमारा ये कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। तो ये इस श्लोक का अर्थ है, अब आप इसके तात्पर्य को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की।